हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो क्लास 8 की एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मित्र एवं शत्रु दोनों होते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहते कैसे हैं पहले हम ये देख लें। तो सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे, जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, और जीव का मतलब है कि जीव, ठीक है। जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के सीज़न में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है, और इस पे सफ़ेद काले धब्बे हो लग जाते हैं। तो जब हम इसे आवर्धक लेंस से देखते हैं तो काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएँ दिखाई देती हैं। तो ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ प्रयोग बताया गया है कि बगीचे एवं मैदान से थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक बीकर में रखते हैं और उसमें थोड़ा जल डालते हैं, और मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं, ठीक। तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, है ना। और ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते। तो हम इन सूक्ष्म जीवों को चार चार मुख्य वर्गों में बांटते हैं। एक है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विषाणु। विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। देखिए, वायरस क्या हुआ? वायरस जो होता है वो जीवित शरीर के अंदर ही गुणन करता है, लेकिन जो जीवाणु है वो पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। तो विषाणु के चित्र आगे वाले पेज पे दर्शाया गया है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लें इन्हें हम। विषाणु द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं? जुकाम, इन्फ्लुएंजा, और अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होती है। जो हमें खांसी होती है, कोल्ड होता है, तो ये सब किसके द्वारा होता है? ये वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। पोलियो, खसरा भी विषाणु द्वारा होता है, और अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और टाइफाइड और टीवी ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक। ये देखिए स्पाइरल जीवाणु और ये छंडमा जीवाणु। स्पाइरल जीवाणु कैसे होते हैं? इनकी संरचना ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे स्पाइरल होते हैं, ठीक है। और ये छड़ाकार होते हैं, छड़ाकार जीवाणु, ठीक। अब ये देखिए क्लेमाइडोमोनास शैवाल और ये स्पाइरोगैरा शैवाल, ये एल्गी हैं, और ये एक कोश की अमीबा और पैरामीशियम। आगे देखिए, ये है राइजोपियस, राइजोपस है, जो ब्रेड में मोल्ड, जो बताया ना कि ब्रेड की नमी में जो काले काले धब्बे हो जाते हैं, तो ये जो है वो ब्रेड मोल्ड है। ये है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम से ही एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या खोजा था? पेनिसिलिन, ठीक। और ये है एस्परजिलस, ये भी क्या है? कवक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विषाणु की संरचना, विषाणु की संरचना किस प्रकार होती है? ये खटकोड़ी होता है, और ये देखिए ये विषाणु इसी प्रकार। चलिए आगे पढ़ेंगे विषाणु के बारे में डिटेल में। ये तो अभी फिगर आउट किया गया है कि विषाणु होते कैसे हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक भी हो सकते हैं, जैसे शैवाल और कवक। अच्छा, एक कोशी कैसे कहते हैं? एक कोशिका इसे उसे कहते हैं जो भी जीवाणु, जिनके जीवाणु के एक कोशिका से वो अपना श्वसन, पाचन, उत्सर्जन सब कुछ एक सेल से ही करते हैं। जैसे ये देखिए अमीबा पैरामीशियम, ये वन सेल्ड है, तो ये जो है वो एक कोशिक हो सकते हैं होते हैं, और बहुकोशिक शैवाल और कवक बहुकोशिक होते हैं। या बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। या मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य के सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो कुछ दूसरे सजीवों के ऊपर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये देखिए अमीबा है, ये सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है क्योंकि ये एक कोशिकीय है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जीवाणु हैं वो समूहों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सूक्ष्म जीव और हमारी।
तो सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे जीवन की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कुछ तो हानिकारक होते हैं जो रोगों के कारक के रूप में, रोग के कारक के रूप में करते हैं। तो मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन कौन है पहले हम ये देखेंगे। तो जैसे देखिए, सूक्ष्म जीवों की ही सहायता से दही, ब्रेड, केक बनाने में उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल कैसे बनता है, पहले आपने सुना होगा कि महुआ हुआ आता था। महुआ को क्या है कि उसे सड़ा के, सड़ा सड़ाना इन द सेंस कि महुए को कुछ दिन तक पानी में डाल के पका के रख दिया जाता था। फिर जब उसमें बैक्टीरियल अटैक होता था तो इसके बाद अल्कोहल फॉर्म होती थी। ठीक है, एथिल अल्कोहल बनता था। ओके, और दही एवं ब्रेड बनाना, तो दही तो बनाना इन जनरल आपको सब लोगों को ही आता है कि थोड़ा सा गर्म दूध में थोड़ी सी 1 चम्मच या 2 चम्मच दही की मात्रा डालते हैं, तो आप देखते होंगे कि सुबह दही कैसे बन गई। तो ये जो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नामक जीवाणु है वो दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। तो अब जब भी आपसे पूछा जाएगा कि दूध से दही कैसे फॉर्म होती है, तो क्या होगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नामक जीवाणु जो होता है वो दूध पे अटैक करता है तो दही फॉर्म होती है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित करता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। सूजी, इडली, भटूरे, ये सब कैसे, ये सब फूले हुए और एकदम गुदगुदे टाइप के बनते हैं ना, क्यों बनते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल अटैक होता है और ये इसमें अपना जनन करते हैं और क्या कहते हैं, इसे नम बनाते हैं, और ये बहुत लाभदायक होते हैं। देखिए प्रयोग में दिखाया गया है कि हमने एक बीकर में आटा लिया है, आटे में थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डाला है, यीस्ट पाउडर डाला है तो देखिए खमीर द्वारा उठी हुई मैदा। ठीक, तो यीस्ट की तीव्रता जनन करने करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करती है। गैस के बुलबुले जो होते हैं वो खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, और बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसका आप लोग लुत्फ़ उठाते हैं। चलिए देखते हैं वाणिज्यिक उपयोग क्या है सूक्ष्म जीवों का, दैट मीन्स कि आर्थिक रूप से कैसे यूज़ किया जाता है। तो बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसेटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो हुए ना ये हमारे मित्र, जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस से उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं, ये क्रियाकलाप देख लेते हैं। 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए, उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। अब उसमें 1/2 चम्मच यीस्ट पाउडर डालते हैं, 4 से 5 घंटे के लिए गर्म स्थान पर ढक के रख देते हैं, और अब हम विलयन को सूंघ के देखते हैं। यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। तो चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किडवन फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जो किडवन की खोज है वो लुई पाश्चर ने 1857 में किया, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। किडवन की खोज किसने की है, लुई पाश्चर ने 1857 में। अब देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग क्या है, मतलब मेडिकल फील्ड में इसका क्या उपयोग है। ठीक, तो जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या फिर कोई अन्य एंटीबायोटिक गोली या कैप्सूल देते हैं, है ना। तो इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा ही तो मिलते हैं। तो जैसे देखिए पेनिसिलिन किससे प्राप्त हुआ था, कवक से, पेनिसिलियम से, है ना। तो इस प्रकार औषधियों को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरेथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है, तो जिसे कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। ये देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में भी बताया गया है कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, तो इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। उन्हें ये पता चल गया कि वो जो कवक है वो जीवाणु को मारने का काम कर रही है, तो इससे किसका आविष्कार हुआ, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का। ठीक, आगे बढ़े, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं ताकि उन पर बैक्टीरियल अटैक ना हो।
ठीक है, तो जिसका उपयोग पशुओं के सूक्ष्मजीवी का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोगों के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ठीक, अब ये देखिए, सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, प्रतिजैविक ने क्या काम किया? बैक्टीरिया को मारने का। किसका काम किया? बैक्टीरिया को मारने का। और सर्दी जुकाम तो वायरल है ना, ये तो वायरस के द्वारा होता है, तो वायरस को मारने का काम थोड़ी ना करेगा, क्योंकि ये विषाणु द्वारा होता है। ठीक, अब बात आती है वैक्सीन की। वैक्सीन क्या होता है? तो वैक्सीन एक प्रकार का टीका है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी मतलब एंटीजन, मतलब कि उन रोग से प्रतिरक्षा करने के लिए कुछ लिक्विड जो रिलीज करता है हमारे शरीर को बचाने के लिए। तो शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करेगा तो किस प्रकार उससे लड़ा जाना है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमें चेचक हो गया, ठीक, चेचक हो गया, चेचक एक बार ठीक हो गया, देन दोबारा चेचक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके प्रति एंटीजन जो है वो तैयार हो गए हैं हमारे शरीर में। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अन्य बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। और क्या कहते हैं, पोलियो नामक वायरस से तो हम जीत भी हासिल कर चुके हैं, हमारा भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है ना। तो एडवर्ड जेनन ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। अच्छा, जो भी ये आविष्कारक दिख रहे हैं, इन्हें आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया है। तो मिट्टी की उर्वरता की वृद्धि में कैसे सहायक होते हैं, ये देखते हैं। चलिए, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल ब्रूगलीन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली और बूझो दूसरे विद्यार्थियों के घरों बगीचों की पत्तियों फल सब्जियों का कचरा एकत्र करने के लिए उसके निपटान द्वारा बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसके विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। बूझो यह जानना चाहते हैं कि यह कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं, दो गमले लेते हैं, उनकी वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है, यदि हाँ तो परिलक्षित कीजिए। ये सब, चलिए, इन जनरल बातें देखते हैं, पॉलिटिक ये सब चलो हटो, ये सब। हाँ, अब देखते हैं कि हानिकारक सूक्ष्म जीव। हाँ, लाभदायक तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, तो मनुष्यों में श्वास, पेय जल, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और संक्रमित करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल या भोजन के माध्यम से संपर्क में द्वारा फैलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल संचरणीय रोग। जो एक जो होता है संक्रमित व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को ट्रांसफर करता है बाई एयर, वाटर एंड फूड, तो इसे संचरणीय कहते हैं। जैसे ये कौन कौन से रोग हैं? हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस वायु में आ जाते हैं, और यही वायरस जो होते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर चले जाते हैं और उन्हें भी जुकाम या सर्दी हो जाती है। तो यही है, तो हम जब छींकते हैं तो अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। चलिए, बनाए रखिएगा। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं।
रोगवाहक इन द सेंस कि जैसे देखिए घरेलू मक्खियाँ, घरेलू मक्खियाँ क्या हो गई, पहले जाके संदूषित चीज़ों पे बैठी, फिर वो आके हमारे खाने पे बैठ गई, तो क्या हुआ, हमारा भोजन तो प्रदूषित हो गया ना। तो यही चीज़ देखिए दिया हुआ है, मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती हैं, रोगाणु उनके शरीर से चिपक जाते हैं, और जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती हैं तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है, मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है, मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया एवं डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कभी रुका नहीं रहने देना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि कूलर वगैरह में ज़्यादा देर तक पानी स्टोर हो गया, नालियों में पानी स्टोर रहता है, तो उसमें जो होते हैं वो बहुत मच्छर आ जाते हैं। देखिए कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र ना होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाएं और प्रयास कीजिए कि जिससे आप मलेरिया से बच सकें। अब ये देखिए एक लिस्ट दी हुई है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग हैं, किससे होता है, कौन सा रोग है, संचरण का तरीका क्या है और बचाव के उपाय क्या है। क्षय रोग होता है जीवाणु से और ये वायु द्वारा संचरित होता है ना। खसरा क्या है, ये वायरस द्वारा है, वायु द्वारा संचरित होता है। चिकन पॉक्स वायरस द्वारा होता है, ये भी वायु द्वारा संचरित होता है। और पोलियो वायरस द्वारा होता है, ये भी वायु द्वारा संचरित होता है। अब देखते हैं कि बचाव के उपाय क्या हैं। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, ठीक, और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, ठीक। अब बात आती है हैजा और टाइफाइड, ये दोनों ही जीवाणुओं द्वारा होते हैं और दोनों ही जल द्वारा फैलते हैं या भोजन द्वारा फैलते हैं, ठीक। तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भलीभांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण। और अब है ये हेपेटाइटिस ए, ये वायरस द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका है जल और उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना और टीकाकरण। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और संचरण मच्छर द्वारा होता है, मच्छरदानियों का उपयोग करना, रुके हुए पानी को रोकना, कीटनाशक का छिड़काव करना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा कि ये जो भी रोग हैं वो किसके द्वारा, कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, तो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो देखिए एंथ्रेक्स क्या होता है, एंथ्रेक्स जो होता है वो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होते हैं, और गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। अब हम देखते हैं कि प्लांट में उत्पन्न होने वाले रोग, प्लांट में क्या होता है, गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, इन सब में भी तो रोग होंगे ना, तो ये इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से होते हैं। फसल की उपज में कमी आ जाती है, कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पे नियंत्रण पाया जा सकता है। आइए देखें कौन कौन से रोग होते हैं प्लांट में। ये देखिए नींबू कैंकर, सिट्रस कैंकर कहते हैं इसे, ये जीवाणु द्वारा होता है और वायु के माध्यम से फैलता है। गेहूं का रस्ट, वीट रस्ट, तो ये कवक के द्वारा फैलता है और इसका संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। भिंडी का पीत, ये वायरस द्वारा होता है और ये इसका माध्यम क्या होता है, कीट। अब आती है बात फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाती है ना। तो यही है कि देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और यह भोजन को विषाक्त बनाता है, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इतना ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाता है। अब देखते हैं कि खाद्य परिरक्षण, फूड का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। तो इन संदूषित भोजन से या फिर कुछ भी चीज़ खराब हो रही है तो उसका परिरक्षण कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले बात आती है रासायनिक उपाय की। रासायनिक उपाय से हम क्या करेंगे कि नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, इन्हें परिरक्षक कहते हैं, प्रिजर्वेटिव। हम नमक तथा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। देखते हैं हमारी मम्मियाँ अचार में कितना तेल डालती हैं, मसाले डालती हैं, ये किस लिए डालती हैं, ताकि ये प्रिजर्व रहे, प्रिजर्वेटिव
ख़राब ना हो बहुत जल्दी। और देखते हैं कि हम अगर थोड़े भी नम हाथों से अचार वगैरह निकाल लेते हैं तो थोड़े दिनों में अचार जो है वो ख़राब होने लग जाता है। और सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटा बाईसल्फाइड नामक परिरक्षक हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है सीटेट के। सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटा सल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। अब देखिए नमक द्वारा परिरक्षण कैसे होता है। मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है ये चीज़। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। देखिए चीनी का प्रयोग कैसे किया जा रहा है परिरक्षण में। जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी का प्रयोग से खाद्य पदार्थ में की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। देखिए तेल के माध्यम से और सिरके के माध्यम से कैसे परिरक्षण किया जाता है, यह अचार को संदूषण से बचाता है और जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण इस विधि से करते हैं। ठीक है, अब गर्म और ठंडा करना। गर्म और ठंडा करना, जैसे आप पैकेट वाले आजकल दूध पीते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो पाश्चुराइज्ड होता है। तो पाश्चुराइज्ड कैसे हुआ, उसे 60 डिग्री NCERT में दिया हुआ है, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर उसे एकाएक ठंडा करते हैं। इसे पाश्चुराइजेशन कहते हैं। इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट मेथड है भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे एवं सब्जियों में भी वायुरोधी सील किए जाते हैं, जिससे ये ताकि इसमें सूक्ष्म जीवों का अटैक ना हो सके। अब बात आती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक बहुत फेमस जीवाणु है राइजोबियम जीवाणु, जो लेग्यूम पौधों, दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और यह नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सहायक होता है, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन जो हमारी वायु में उपस्थित होते हैं डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लेते हैं, ये नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। तो देखिए चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए लेग्यूमिनस जड़ है, इसमें लेग्यूम है ये, जो इसी में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो आइए नाइट्रोजन साइकिल देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये 8th क्लास में दिया है और ये MSc क्लास तक पूछा जाता है। MSc क्या, आगे आने वाले क्लास में भी, जिसमें भी हो, नाइट्रोजन साइकिल इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। चलिए आइए देखें, समझते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजन साइकिल को। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो कि कितना है, 78%। तो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करना। देन इधर क्या हो रहा है कि वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। बताया मैंने कि जैसे राइजोबियम करता है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना। देखिए NO2 और NO3 के फॉर्म में परिवर्तित करना। फिर क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक राइजोबियम। राइजोबियम ने क्या किया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया। ठीक है, और क्या हुआ, ये मिट्टी में जो नाइट्रोजन उपस्थित है ये पौधों द्वारा अवशोषण हुए। पौधे खाए जंतुओं ने, तो जंतुओं को भी मिल गया प्रोटीन। फिर जंतुओं का उत्सर्जन होता है, जंतुओं का उत्सर्जन क्या होता है, यूरिया। तो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन, तो वो कहाँ गया, फिर से वो मिट्टी में गया। तो ये साइकिल प्रॉपर चलती रहती है। ठीक, तो ये आपको साइकिल ध्यान रखना है। देखिए पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये सब हम इस साइकिल में देख चुके हैं। आइए देखिए ये चार्ट में देखते हैं। शैवाल किसे कहते हैं, शैवाल जो होते हैं ये पौधों की तरह ही होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक, जो कि बैक्टीरियल अटैक को रोकने के लिए बनाया जाता है, जो कि फंगाई से बना था। प्रतिरक्षी, जैसे मान लीजिए एक बार बैक्टीरिया का अटैक हो गया है तो हमारे शरीर को पता रहता है कि इस बैक्टीरिया के प्रति एंटीजन उत्पन्न करना है, तो वो होता है प्रतिरक्षी जीवाणु। आपको बताइए वाहक, वाहक जो एक जो मलेरिया इन्फेक्टेड या कोई भी इन्फेक्टेड रोगी है वो स्वस्थ रोगी को ट्रांसफ़र करता है, तो वो क्या करता है, वाहक का काम करता है। संक्रामक रोग, अच्छा ये चार्ट देख लीजिएगा, ये सब हम वैसे पढ़ चुके हैं, तो आपको इस चार्ट में जो ना बने वो मुझे बताइएगा। तो आइए सारांश देखते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से इन्हें नहीं देखा जा सकता। यह बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों एवं मरुस्थल के दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। समझ गए,
ज़्यादा से ज़्यादा गर्म क्षेत्र और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जीवाणु के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इससे अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे, मृत पौधों एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार एवं मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। और ये पता ही चल गया कि लेग्यूम प्लांट राइजोबियम नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं और जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में है कि सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। हैजा बैक्टीरिया द्वारा होता है। यीस्ट के उत्पादन निम्न यीस्ट का उत्पादन एल्कोहल के लिए होता है। ओके, हाँ, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से। संचरणीय रोग का सबसे प्रमुख कारक घरेलू मक्खी। और ब्रेड एवं इडली फूल जाती है किससे? यीस्ट कोशिकाओं के वृद्धि से। चीनी में को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ये फर्मेंटेशन। ठीक, मैच द फॉलोइंग। जीवाणु हैजा के कारक, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, यीस्ट ब्रेड की बेकिंग, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक और विषाणु एड्स का कारक। तो यहीं मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। और कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस, आप शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियोस को शेयर करिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आपको बस एक प्रेस करना है सब्सक्राइब का बटन, और उसके बगल में है बेल आइकन, उसे आपको प्रेस करना है। तो स्टे ट्यून विद मी, बने रहिए मेरे साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।